नमस्कार सखी न्यूज सेंटर को आप सभी का स्वागत है। बेरोजगारी के मुद्दे को विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है तो वहीं जाति से जुड़े मुद्दे भी आजकल खूब उठाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं तो जातिगत मुद्दों पर सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों का कहना है कि जो लोग ऐसी बातें कह रहे हैं वह हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं। इसी सब विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है। मुंबई में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि श्रम के प्रति सम्मान की भावना की कमी देश में बेरोजगारी के मुख्य कारणों में से एक है। साथ ही संघ प्रमुख भागवत ने लोगों से सभी तरह के काम का सम्मान करने और नौकरियों के पीछे भागना बंद करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं कहा जा सकता। मुंबई में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख भागवत ने यह भी कहा कि सत्य ही ईश्वर है। उन्होंने कहा कि शास्त्रों को आधार बनाकर कुछ पंडित झूठ भी बता देते हैं। उन्होंने कहा कि जाति की श्रेष्ठता की कल्पना में ऊंच नीच में अटक कर हम गुमराह हो गए हैं और इस भ्रम को दूर कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि समाज के बंटवारे का फायदा हमेशा दूसरों ने उठाया है, इसलिए हमारे देश पर आक्रमण भी हुए। उन्होंने कहा कि समाज बटा रहा, इसी वजह से बाहर देश से आए लोगों ने हमारे देश पर राज किया। मोहन भागवत ने कहा कि जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंचा कोई नीचा या कोई अलग कैसे हो सकता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक हैं, उनमें कोई जाति वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई जो कि गलत था। संघ प्रमुख ने कहा इस्लामी आक्रमण से पूर्व अन्य हमलावरों ने हमारी जीवन शैली, हमारी परंपराओं और चिंतन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया, लेकिन मुस्लिम हमलावरों का एक तर्क था। पहले उन्होंने हमें अपनी ताकत के दम पर पराजित किया और फिर उन्होंने हमें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दबाया। इसके अलावा संघ प्रमुख ने कहा कि समाज में व्याप्त अस्पृश्यता का संतों और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे जाने माने लोगों ने विरोध किया। आरएसएस प्रमुख ने कहा अस्पृश्यता से परेशान होकर डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने किसी अन्य धर्म को नहीं अपनाया और गौतम बुद्ध द्वारा दिखाए गए मार्ग को चुना। उनकी शिक्षाएं भारत की सोच में भी बहुत गहराई तक समाई हुई हैं। मोहन भागवत ने मराठी में दिए गए अपने संबोधन में कहा कि जो लोग चाहे किसी भी तरह का काम करें उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि काम के लिए चाहे शारीरिक श्रम की आवश्यकता हो या बुद्धि की, चाहे इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता हो या सॉफ्ट कौशल की, सभी का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा हर कोई नौकरी के पीछे भागता है, सरकारी नौकरियां केवल करीब 10% हैं जबकि अन्य नौकरियां लगभग 20% हैं। दुनिया का कोई भी समाज 30% से अधिक नौकरियां उत्पन्न नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जिस काम में शारीरिक श्रम की जरूरत होती है उसे अब भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। भागवत ने कहा कि जब कोई जीविकोपार्जन करता है तो समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि जब हर काम समाज के लिए हो रहा है तो वह छोटा या बड़ा अथवा एक दूसरे से अलग कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की दृष्टि में हर कोई समान है और उसके सामने कोई जाति या संप्रदाय नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में कौशल की कोई कमी भी नहीं है, लेकिन हम दुनिया में प्रमुखता हासिल करने के बाद अन्य देशों की तरह नहीं होंगे। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि विश्व में स्थिति देश के विश्वगुरु बनने के अनुकूल है। उधर मोहन भागवत के बयान पर राजनीतिक बवाल भी शुरू हो गया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि मोहन भागवत द्वारा कही गई बातें समाज में एकता रखने के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि समाज तोड़ने का काम कौन कर रहा है। संजय राउत ने कहा कि यह काम आपके लोग ही कर रहे हैं, इसलिए यह बात आप पहले उन्हें समझाइए जो सत्ता में बैठे हुए हैं। वहीं निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर तंज कसा है जिसमें उन्होंने लोगों से नौकरियों के पीछे नहीं भागने का आग्रह किया था। सिब्बल ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे का क्या हुआ। भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सिब्बल ने ट्वीट किया मोहन भागवत ने कहा सरकारी नौकरियों के पीछे ना भागें, निजी क्षेत्र में नौकरियां कहां हैं भागवत जी, और हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के मोदी जी के वादे का क्या हुआ। उधर मोहन भागवत के बयान पर विवाद भी खड़ा हो गया है क्योंकि उन्होंने अपने संबोधन में पंडित शब्द का जिक्र किया था। संघ के वरिष्ठ नेता सुनील आंबेकर ने एक बयान जारी करके बताया है कि पंडित शब्द से उनका आशय विद्वानों से था। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं सुनील आंबेकर। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का कल जो स्टेटमेंट आया था जो लेके उसके ऊपर क्या क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि उस पर काफी कॉन्ट्रोवर्सी क्या है ट्रांसलेशन। कल मुंबई में डॉक्टर मोहन जी भागवत परम पूजनीय सरस्वती चालक संत रोहिदास जयंती के कार्यक्रम में बात कर रहे थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में पंडित शब्द का उपयोग किया।
पंडित का अर्थ अर्थात मराठी में वो बोल रहे थे, पंडित का अर्थ विद्वान अर्थात कुछ विद्वान ऐसा होता है। उन्होंने जो वाक्य कहा उसको भी मैं स्पष्ट रूप से यहाँ बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने सत्य की, संतों की जो सत्य अनुभूति है उसके आधार पर उन्होंने कहा कि सत्य यही है कि मैं सब प्राणियों में हूँ, यानी अर्थात ईश्वर। इसलिए रूप नाम कुछ भी हो लेकिन योग्यता एक है, मान सम्मान एक है और सबके बारे में अपनापन है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। शास्त्रों का आधार देकर, कुछ आधार लेकर पंडित अर्थात विद्वान लोग जो जाति आधारित अर्थात जाति आधारित जो बात करते हैं उच्च नीच की, वो झूठ है। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट था डॉक्टर मोहन जी का, तो मुझे लगता है कि उसको उचित अर्थों में लिया जाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।